नमस्कार मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको शिक्षा, रोजगार एवं सामान्य जनजीवन से जुड़ी जानकारी समय पर प्राप्त होती है। दोस्तों आज बात करी है संविदा कर्मियों की, तो संविदा कर्मियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली है वो खुशखबरी, और जिन संविदा कर्मियों को हो गए 2 साल अब वो स्थायी होने वाले हैं। तो दोस्तों इस स्थायी को लेकर आज की बड़ी खबर है। इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये संपूर्ण जानकारी और खुशखबरी मिल पाएगी। तो दोस्तों वीडियो में चलने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों स्थायी कर्मी काफ़ी दिन से है वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि जो संविदा कर्मी है वो स्थायी कब होंगे स्थायी होने के लिए। तो दोस्तों उनके लिए एक न्यूज आ चुकी है कि शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक की भर्ती अधूरी, पंचायत सहायक भर्ती से बड़ी नौकरी की उम्मीदें। विद्यार्थी मित्रों के संयोजन के लिए किए गए हर सरकारी प्रयास अधूरे ही रहे हैं। इनके संयोजन के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक भर्ती शुरू की थी, लेकिन एक के बाद एक दोनों भर्तियां कानूनी पेच में उलझ गई और लाखों अभ्यर्थियों से फार्म भराने के बावजूद किसी भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है। दोस्तों ये खबर है वो आप देख रहे हो, अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस ने चुनावी साल में शिक्षा सहायक के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन नियमों के फेर में अटक जाने से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल जाने से मौजूदा सरकार ने भर्ती को नए सिरे से शुरू किया और 2015 विद्यालय सहायक भर्ती करने का प्रयास किया था, लेकिन इस भर्ती का ऐसे शिक्षा सहायक भर्ती की तरह हुआ और किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिल सकी थी और स्थायी नौकरी देने के प्रयास करने चाहिए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाले एवं सरकार सुविधा कर्मियों को स्थायी करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। विद्यार्थी मित्र के पद पर काम कर चुके पंचायत सहायकों में स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीदें बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में भी इनके लिए सकारात्मक वादे किए थे और इन्हें पंचायत सहायक के पद पर काम करते हुए इस साल मई महीने में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप कलवा ने बताया कि सरकार को युवाओं के लिए स्थायी नौकरी देने की बजाय स्थायी नौकरी देने के प्रयास करने चाहिए। अस्थायी नौकरी एवं काम मानदेय के कारण युवाओं को निराशा बढ़ती है। सरकार ने संविदा कर्मियों की समस्या एवं स्थायी करने के लिए कमेटी गठित की है तथा निर्णय सराहनीय है कि सरकार को नियम बनाकर इन्हें शीघ्र ही स्थायी कर दिया जाना चाहिए। और इन दोनों भर्तियों के विफल होने के बाद सरकार ने 2017 में तीसरा प्रयास पंचायत सहायक भर्ती के रूप में किया। हालांकि इस भर्ती में विवाद भी खूब हुए, बावजूद इसके सरकार 70% से अधिक विद्यार्थी मित्रों का इस भर्ती में संयोजन करने में सफल रही, लेकिन पंचायत सहायकों के पद पर संयोजन हो जाने के बाद भी विद्यार्थी मित्रों को स्थायी सरकारी नौकरी मिलने का आज भी इंतजार है, क्योंकि सरकारी ने स्थायी नौकरी देने की बजाय विद्यार्थी मित्र योजना की तरह ही पंचायत सहायक भर्ती नियम नियत मानदेय पर अस्थायी तौर पर नौकरी दी है। तो दोस्तों जो स्थायी कर्मी उनके लिए खुशखबरी है, चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा विभाग, किसी में भी वो कार्य कर रहे हो, उनको अब स्थायी कर दिया जाएगा। 2 साल यदि स्थायी कर्मी एक जगह हो चुके हैं, उनको है वो स्थायी किया जा रहा है, स्थायी है उनको स्थायी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो संविदा कर्मी उनके लिए अभी बल्ले बल्ले होने वाली है, जल्दी 2019 उनके लिए बहुत ही सुगद है और जल्दी उनको स्थायी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी संविदा कर्मियों से जुड़ी जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको हमेशा देते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।